आपके लिए यू भी मार्बल शीट्स जो होती हैं, जो लोग अपनी दीवारों पे लगवाते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो, ऐसी मार्बल शीट्स आजकल मार्केट में आ चुकी हैं, जो एक आपको मार्बल का लुक देंगी। आपकी दीवार में अगर सीलन है, जब आप अपनी दीवार को नया लुक देना चाहते हो, तो आप यू भी मार्बल शीट्स यूज कर सकते हो, काफी अच्छा लुक ये देती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कैसे आपको इसकी इंस्टॉलेशन करवानी है, कहां कहां इसकी इंस्टॉलेशन हो जाती है, कैसे ठेकेदार आपको बेवकूफ बनाते हैं, इसका खर्चा कितना आता है दीवार में लगाने का। जहां दीवारों पे आपके सीलन रहती है वहां पे इसको आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें ना फ्रोजन लगती है, ना रस्ट लगती है, ना इनपे क्रैक आता है, कुछ इफेक्ट सीलन का इस पे नहीं होता। तो जिन दीवारों पे सीलन है वहां पे यूवी शीट्स यूज करो, काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता यूवी मार्बल शीट्स है क्या, देखो एक प्रोडक्ट है जो 1 mm से 3 mm की थिकनेस में मोस्टली मार्केट में मिलता है, और ये पूरा लुक किसका देगा, एक इटालियन जो मार्बल आता है उसका लुक दीवारों पे देता है। इसको आप बाथरूम में यूज करो, आप किचन में यूज करो, इनको आप अपनी दीवारों पे यूज करो, एक अच्छी फिनिश, एक अच्छा लुक अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो। 8x4 की शीट मोस्टली मार्केट में ये मिलती है, आप कटिंग के साथ इसको फिक्स करवा सकते हो। अभी पहले मैं इसका कर लेता हूं रेट एनालिसिस, खर्चा कैसे निकलेगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कहां गलती होती है, कहां आपको पैसे बचाने और कहां से खरीदने। यही मेन चीज समझने वाली, बाकी तो मोम है। तो देखो एक दीवार में पकड़ लेता हूं, एक दीवार पे मैं लगवाऊंगा 10x10 की दीवार, और डायरेक्ट दीवार पे लगवाने वाले हम लोग। तो जो शीट आती है मार्केट में वो मोस्टली स्टैंडर्ड साइज आपको मिलता है 8x4 का, 8 फुट वो लंबी होती है ऐसे, और 4 फुट ऐसे होती है, 8x4 की शीट होती है। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 की वो शीट होती है जो आपको मार्केट में समय मिलेगी, ठीक है। तो रूम का हम पकड़ लेते हैं, रूम का खर्चा हमें पड़ता है 10x10 की, हमारा रूम इतना 10x10 का रूम है, तो सोच के फिर वो हो गया। तो नंबर ऑफ शीट कितनी लगेंगी, इसको हमें वॉल पैनिंग सीधी सीधी करनी है, तो हमें कितनी शीट लगेंगी, तो जितना का हमारा रूम होगा उसको डिवाइड कर देना शीट कितनी साइज है, सो वही 32 करते हैं तो हमें मिल जाती है 3.12 शीट हमें लगने वाली। तो हमें आधी शीट तो कोई देगा नहीं, तो हमें 4 शीट लगभग लानी पड़ेंगी, थी 4 शीट हम ला रहे हैं। फिर हम बात करते हैं और डायरेक्ट आगे मैं बताने वाला हूँ, डायरेक्ट सिंपल टिक्स पूरे घर का खर्चा निकाल सकते हो। 1800 रुपये की हमने शीट पकड़ ली कि जो इसका यूवी इसका मार्बल फ्यूचर की जो शीट है वो आपको स्टार्ट हो जाएंगे 1800, 2000, 2500, 3000, वो डिपेंड होता है कितने एमएम की ले रहे हो। 1.2 mm की मिल जाएगी, 1.5 mm की मिल जाएगी, 2 mm की मिल जाएगी, 3 mm की मिल जाएगी, जितनी मोटी लोगे उतना उसका खर्चा बढ़ जाएगा। तो 1800 रुपये हम पकड़ते हैं एक शीट का कॉस्ट, 4 शीट हमें लगने वाली है, 4 × 1800 करेंगे तो 7200 रुपये हमारा कुछ शीट का खर्चा है, कितना 7200 रुपये हमारा शीट लगाने का खर्चा होगा। फिर क्या होता है जब आप दीवार पे उस पर चिपकाते हो, जो हमारी दीवार आती है डायरेक्ट, तो उस पर मोल्डिंग लगा लो, मोल्डिंग से थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि मोल्डिंग पे गम ग्लू लगता है तो अच्छा चिपकता है, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल्डिंग लगाते हो जब तो सुंदर भी दिखती है और वो भी है। तो एच मोल्डिंग होती है हमारी बीच में, तो देखो इधर समझना कैसे शीट को लगाया जाता है, ये हमारा एक रूम है, लगा लो ये रूम है, तो जो कॉर्नर होते हैं वहाँ मोल्डिंग एक ये लगती है, मोल्डिंग शीट स्किप्स आती है वो यहाँ लगती है, तो वहाँ यू मोल्डिंग लगती है। कौन सी यू मोल्डिंग, तो 4 लगेंगी, 1, 2, 3, 4 मोल्डिंग हमें लगी, और बीच में हमारी हर शीट के बाद एक एच मोल्डिंग लगती है इधर, तो वो 4 लगेंगी, तो 150 रुपये की एक मिलती है आपको मोल्डिंग, लंबी 10 फुट की होती है, तो 600 का हमने पकड़ लिया, 150 रुपये की 4 लगी, 600 रुपये उसका खर्चा गया। और इसी हम चिपकाने के लिए यूज करते हैं तो लमसम 10x10 के कमरे में 2 बोतल लग जाती है, तो 400 रुपये का उसका खर्चा गया। लेबर कॉस्ट इस समय चल रही है 18 रुपये से 25 रुपये पर स्क्वेयर फीट, मतलब इसको मयूर शीट को लगाने का, तो मैंने 18 रुपये खर्चा पकड़ लिया, 18 रुपये हमारा निकल लिया, तो हमारा कितने 100 स्क्वेयर फीट का वो है, मतलब एरिया, ठीक है। तो 18 × 100 करेंगे तो 1800 रुपये लगभग, कम से कम 1800 रुपये हमारा लगाने का लेबर खर्चा लगेगा, तो टोटल खर्चा पकड़ते हैं 10600 रुपये हमारा यूवी मार्बल शीट एक दीवार पे लगाने का खर्चा रहेगा, 10600 रुपये। और अगर हम पकड़े 100 रुपये से स्क्वेयर फीट आता है, कितना 100 रुपया पर स्क्वेयर फीट आप रेट ले लेंगे। अगर हम बात करते हैं आपकी कोई भी दीवार है, आपकी दीवार है पहले 10x10 की दीवार है, इसका निकालो 100 रुपये से रेट चल रहा है, 100 × 100 करेंगे तो कुछ 10000 रुपये हमारा एक दीवार को लगाने का खर्चा है। आपकी दीवार अगर 15x13 की, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 रुपया रेट चल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको मिल जाएगा आपको यूवी मार्बल शीट लगाने का खर्चा इस समय कितना चल रहा है। अभी मैं बता दूं आपको, जब भी मार्बल शीट लगाओगे तो कहां आपको गलती नहीं करनी है। देखो आप समझते हैं, जब भी आपको यूवी मार्बल शीट लगवानी है पहले तो आपकी दीवार पे थोड़ा क्लीन कर लो, इंडोलेशन नहीं होनी चाहिए, मगर अगर आपकी दीवार ऊपर नीचे थोड़ी भी प्लास्टर में थोड़ी गड़बड़ है तो उसको पुट्टी करवा लो, सिर्फ जो आपका सरफेस रहेगा सीधा रहेगा तो यूवी मार्बल शीट की लाइफ अच्छी रहेगी, नहीं तो क्या रहता है बीच में गैप होता है, हवा भर जाती है, थोड़े टाइम बाद वो धीरे 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 निकलने लग पड़ती है, तो आपको पहले तो पूरी जो सरफेस है लेवल कर लो। दूसरा, प्रोफाइल यूज करते हो तो अच्छा रहता है, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा बॉन्ड मिलता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट, अगर आप दीवार पे चिपका देते हो, डायरेक्ट दीवार पर चिपका देते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब भी आपको डायरेक्ट दीवार पर चिपकाना है, एक तो आपको एडेसिव आता है जैसे फिक्स बोल्ट आता है, जो भी कंपनी यूज करते हो बीच में वो लगाना है, और शीट के चारों तरफ आपको क्या करना है, हीट एक्स लगाना है, क्या हीट एक्स जो कभी बोल जाता है, हीट एक्स आप शीट पे लगाओ और हीट एक्स आप दीवार पे लगाओ, दोनों चीजों पे लगा के आप